इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां युवती को हवस का शिकार बनाने वाले तीन तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी के साथ एक आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसका नाम उमेद सिंह बताया जाता है, जो प्रयागराज का रहने वाला है। वर्तमान में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रह रहा था। वहीं पीड़िता ने विरोध किया तो अपने दो साथियों प्रद्युम शुक्ला और अमरनाथ मिश्रा उर्फ अमर मिश्रा से अश्लील वीडियो वायरल करवाने की धमकी दिलाते हुए दुष्कर्म किया और पत्रकारों को भी महिला के साथ दुष्कर्म करने का दबाव बनाया, जहां तीनों आरोपियों ने लंबे समय से युवती को हवस का शिकार बनाया। युवती लंबे समय से थानों के चक्कर काट रही थी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा था। इतना ही नहीं, मीडिया वालों के द्वारा भी इस मामले को उठाया नहीं जा रहा था, जहां पीड़िता की आवाज विराग 24 न्यूज बना और अधिकारियों की नींद खुली, तब जाकर तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। इसमें मुख्य आरोपी उमेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का न्यायालय ने बयान दर्ज कराया गया है। वहीं एफआईआर दर्ज होने की भनक लगते ही तथाकथित पत्रकार आरोपी प्रद्युम शुक्ला और अमरनाथ उर्फ अमर मिश्रा फरार हो गए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।